गुड मॉर्निंग, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। आज मैं 12th क्लास के सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के बारे में। तो जैसा कि देखिए आप यहां, ये आपके पास जो सबसे पहला वर्ड है हेलो, देन है अल्क, फिर है आपके पास ए एन ई, और एस तो छोड़ दीजिए, चैप्टर का नाम है लेकिन यहां इसका कोई मीनिंग अभी हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास वर्ड रूट, ये है आपके पास कौन सा टू डिग्री प्रीफिक्स, और ये है आपके पास वन डिग्री सफिक्स। तो ये आइपिक नेम है किस चीज का, हेलो अल्केन्स का ये आइपिक नेम ही है, और ये देख लीजिए हेलो अरीन्स, ये हेलो अरीन्स एक्चुअली ये डिराइवेटिव्स है किस चीज का, अरीन का यानी बेंजीन का, और इससे डायरेक्टली अटैच्ड हो कोई क्या हेलोजन, तो ये कहलाएगा क्या हेलो अरीन्स, ठीक है। तो इस पे और अभी हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ टू डिग्री प्रीफिक्स वर्ड रूट एंड वन डिग्री सफिक्स, एक एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ आप इस एग्जांपल को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक कार्बन एटम है, ठीक है, और इसके साथ हम ऐड कर देते हैं कोई हैलोजन जैसे क्लोरीन, और दूसरा कार्बन एटम हर जगह पर इसको सेटिस्फाई करने के लिए कर लेते हैं क्या क्या हाइड्रोजन, ठीक है। आप ये देखिए कि यहाँ क्लोरीन नहीं होता तो सिचुएशन हमारे पास ऐसे हो जाता कि यहाँ भी हाइड्रोजन हर जगह पे, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा दो कार्बन एटम है तो हो जाएगा इथ, और दोनों कार्बन एटम एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा ए एन ई, तो इसका नाम है क्या इथेन। आप इस पे नजर डालिए, ये है आपके पास दो कार्बन एटम, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ए एन ई जो है आपका वन डिग्री सफिक्स में बताता है ए एन ई की कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ए एन ई आपको बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये है हेलो टू डिग्री में, हेलो का मतलब हो गया क्लोरो, ठीक है। दो कार्बन एटम है तो लिखेंगे इथ, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो गया इथेन। आप देखिए कि दोनों सेम चीज है, देखिए हेलो के जगह पर क्या है क्लोरो, वर्ड रूट अल्क के जगह पर नंबर ऑफ कार्बन एटम है इथ, और ए एन ई रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये आपका अल्केन, ये डिराइवेटिव्स ऑफ अल्केन हो गया, ठीक है। कैसे डिराइवेटिव्स ऑफ अल्केन हो गया, क्योंकि आप यहां देखिए ये हाइड्रोजन हटा है, इसके हाइड्रोजन की जगह पर यहां क्या आ गया है क्लोरीन, और जिससे कोई चीज बना हुआ हो वो कहलाता है डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो जैसे मिल्क का डेरिवेटिव्स क्या होगा, कर्ड, क्योंकि मिल्क से बना हुआ है क्या, कर्ड बना हुआ है। तो सिमिलरली इस हाइड्रोजन को हमने क्या किया, रिप्लेस किया, रिप्लेस करके इसके जगह पर क्या पुट कर दिया, क्लोरीन, तब ये अल्केन ना होकर के हो गया हेलो अल्केन्स। ऐसे हेलो अल्केन्स ढेर सारा और भी कई एग्जांपल है, तो इसके डिफिनेशन को आसान बनाने के लिए हमने ये लिया है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन इज नोन एज हेलो अल्केन्स, आप कह सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन इज नोन एज हेलो अल्केन्स, या हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन is known as halo alkenes, ठीक है। आगे बढ़िए, दूसरी बात यहां देखिए, जब आपके पास कोई अल्केन है लाइक यहां इथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करिएगा, तो अब ये इथेन ना कहला करके अब ये कहलाना शुरू हो जाएगा इथाइल, क्या कहलाएगा, इथाइल बाई लग जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो आपके पास अल्केन था आर एच,
इसको पूरे को हम मान लेते हैं R, और ये हाइड्रोजन था यहाँ तो RH, इसमें से हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करिए, हटा दीजिए और इस जगह पर केवल R को छोड़ दीजिएगा, तो ये कहलाएगा आपको केवल क्या, अल्काइल, ठीक है। और हाइड्रोजन को आपने हटाया है, इसके जगह पर आप कोई हाइड्रोजन को आप ऐड कर दीजिए, तो हाइड्रोजन ऐड करिएगा तब ये हाइड्रोजन आ गया, तो ये कहलाएगा हेलाइट, ठीक है। तो ये और भी क्या कह सकता है, कहला सकता है अल्काइल हेलाइट, ये कॉमन नेम में आता है, जबकि ये अल्किल नेम में आता है, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्क तो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताएगा, कार्बन एटम की संख्या है कितनी है, दो, तो आप इसके जगह पर लिखिए इथ, तो इसका नाम दूसरा नाम हो जाएगा इथ, और बाई एल है, हेलाइड के जगह पर यहाँ लगा हुआ है कौन, क्लोरीन, तो इथाइल क्लोराइड आप इसे कह सकते हैं, इसका बॉन्ड को, ये इसका कॉमन नेम हो गया, ये इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि आप हेलो अल्केन्स को दूसरे नाम में क्या कह सकते हैं, अल्काइल हेलाइट्स कह सकते हैं, यानी हेलो अल्केन्स के लिए या इसका दूसरा नाम हो जाएगा नेक्स्ट नाम अल्काइल हेलाइट्स, क्लियर। तो इसका डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन इज नोन एज हेलो अल्केन्स, एंड दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ द हेलो अल्केन्स। अब हम पॉइंट आउट करते हैं किस चीज के बारे में, हेलो अरीन्स के बारे में, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, और डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने इतना, ये केवल इस बात को समझाने के लिए इतना आप लोगों को घुमाया। चलिए अब हम बात करते हैं किस चीज पे, हेलो अरीन्स पे बात करते हैं। आपने जो यहां देखा ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन था, कौन सा, अल्केन। अरीन आपका क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे देखिए ये है आपके पास बेंजीन, ये गुड एग्जांपल है किस चीज का, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, और इसका नाम है बेंजीन। और इसमें देखिए हर जगह हाइड्रोजन है, जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में आपका लिखा गया है, तो नहीं भी लिखते हैं लेकिन समझने के लिए यहां लिख रहे हैं। यहां आप क्या करिए कि एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करिए और उसके जगह पर कोई हाइड्रोजन को आप ऐड कर दीजिएगा, तब ये कहलाएगा आपको क्या, हेलो अरीन्स। ये कहलाएगा आपके पास कौन सा, यही कंपाउंड कहलाएगा हेलो अरीन्स, या इसका दूसरा नाम हो जाएगा एराइल हेलाइट्स, ठीक है। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज नोन एज हेलो अरीन्स, ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, ये तो इसका केवल इंट्रोडक्शन हो गया। इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे आप डेफिनेशन, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। सेकंड आप पढ़ेंगे इसका एक जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड, वो मैं अभी बात कर लूँ इसके बाद। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे मैं बात करूंगा। थर्ड होता है आपके पास कौन सा, नोमेनक्लेचर आप 11th में अच्छे तरीके से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस पर चर्चा नहीं करने वाले। फोर्थ है आपके पास कौन सा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पास। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत पढ़ना रहता है, ज्यादा नहीं पढ़ना रहता है। फिर आए आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट है कौन सा, यूजेज। तो देखिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिस पर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। दोनों को हम सेपरेट फॉर्म में पढ़ेंगे, हेलो अल्केन्स के अलग, हेलो अरीन्स का हम अलग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप भी घर पे बैठ करके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में आप समरी बना करके उसको रखिए, बार बार देखिए, वो एग्जाम में हमेशा आता रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट उससे फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन,
अब इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ किस चीज पे, क्लासिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, अलग अलग से एक बार हेलो अल्केन्स के लिए और एक बार हेलो अलिन्स के लिए। तो चलिए अब हम देखने जा रहे हैं किस चीज के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में अब हम देख लेते हैं। देखिए हेलोजन कंपाउंड्स को क्लासिफाई किए हैं, हेलोजन कंपाउंड्स दो पार्ट्स, कौन कौन सा है आपके पास, एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड्स एंड सेकंड है आपके पास कौन सा, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। अगेन आप यहां देख लीजिए कि एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में आपको आता था कौन कौन, तीन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन्स, ठीक है। तो चलिए एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड्स का आ गया हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन एंड हेलो अल्काइन्स, ठीक है। हेलो अल्केन को आप रिप्रेजेंट करते थे कैसे, इसमें अल्केन है यानी ए एनी लगा हुआ है, इसमें ई एनी है और इसमें वाई एनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और तब जाके हेलोजन होगा। हो सकता है कि सिंगल कार्बन एटम हो और हेलोजन, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें इसका जो मेंबर होगा वन कार्बन एटम का कभी हो ही नहीं सकता है, जब भी होगा तो कितने कार्बन एटम का होगा, दो कार्बन एटम, यानी कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा और इसके साथ क्या होगा जुड़ा हुआ, हेलोजन एडेड होगा, ठीक है। साथ में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट हो और हेलोजन हो तब कहलाएगा आपको कौन, हेलो अल्काइन्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम, इसको तो हम अल्काइल ग्रुप कहेंगे जब इसको हम हटा दें, फेराइट को अल्काइल ग्रुप बोलेंगे इसको जब हम हटा दें, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा आपके पास अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स। इसमें देखिए हेलो अल्कीन्स है तब इसका नाम हो जाएगा अल्क, ठीक है। ये ईएन आ जाएगा एक साथ, ईएन बाई एन हाइड्रोजन हट गया है तो, और लास्ट में लिखा हुआ है क्या, हैलाइड्स, तो हम हैलाइड्स लिख दिए, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा अल्केनाइल हैलाइड्स। अल्क नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए, EN डबल बॉन्ड के लिए, बाई एन इससे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया उसके लिए, हैलाइड्स इसके लिए आ गया, तो यानी इसका नाम हो जाएगा अल्केनाइल हैलाइड्स। चलिए हेलो अल्काइन्स का दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा, अल्क, आपके पास अल्क तो होगा क्योंकि बिना कार्बन एटम का कुछ पॉसिबल है नहीं। सेकेंड डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए आता है बाई एन, तो बाई एन बाई एन हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो उस वजह से, और साथ में हो जाएगा कौन, हैलाइड्स। तो आप इसे अल बाई एन यानी अल्काइनाइल हैलाइड्स आप इसका दूसरा नाम कह सकते हैं, किसको, हेलो अल्काइन्स का, ठीक है। ये यूजुअली नाम यूज होगा आपका आईपेक, ये कॉमन नेम इसका यूज होता है। तो इस तरीके से एलिफैटिक हाइड्रोजन कंपाउंड इज ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट वन इज द हेलो अल्केन्स, सेकेंड वन इज द हेलो अल्कीन्स और अल्केनाइल हैलाइड्स एंड थर्ड वन इज द हेलो अल्काइन्स एंड अल्काइनाइल हैलाइड्स। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं किस चीज के बारे में, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में अब हम डिटेल में इस पे बात करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, ये होता है आपके पास दो तरीके का, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स एंड साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स। न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स देखिए ये है आपके पास बेंजीन रिंग और इसी के कार्बन एटम से डायरेक्टली कोई हेलोजन अटैच्ड हो, डायरेक्टली कोई हेलोजन अटैच्ड हो, देखिए ये कार्बन एटम है और इसी से हेलोजन अटैच्ड है। लेकिन आप दूसरे केस में देखिए कि ये कोई बेंजीन रिंग है ऐसे और इस बेंजीन रिंग से कोई कार्बन एटम ऐसे है, देन इससे कोई हेलोजन एटम आपका अटैच्ड है। दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख लीजिए, इसमें हेलोजन जो ऐड किया गया है वो डायरेक्टली लिंक्ड है किस चीज से, बेंजीन के ही कार्बन एटम से। लेकिन क्या यहाँ ये हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन के लिंक से है, नहीं है। तो ये हो गया आपके पास, इसको हम साइड चेन कहेंगे, तो साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स और ये कहलाएगा आपका न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। और इस चैप्टर में हमें सबसे मतलब जो मेन थीम है, मेन टॉपिक है पढ़ने का, वो है न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स लाइक दिस, जैसे आपके पास बेंजीन रिंग, यहाँ क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन होता ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन होता तो हम उसे कहते हैं आयोडोबेंजीन।
तो इन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल में हमें यहाँ पढ़ना है। तो ये था आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। चलिए इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे पास क्या क्या है। देखिए, कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, कार्बन कार्बन एडेड हो डबल बॉन्ड से, इसके बाद वाले कार्बन एटम को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन एटम। ठीक है, इस कार्बन एटम का नाम हो गया क्या, एलाइलिक कार्बन एटम। आप यहाँ कंडीशन देखिए कि ये कार्बन कार्बन और ये जो कार्बन है एलाइलिक कार्बन एटम है और इससे जो हैलोजन जुड़ा हुआ है, तब ये पूरा कंपाउंड का नाम हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ ये है आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो हैलोजन जुड़ा हुआ होता है, तो ये तो यहाँ आपके पास कंडीशन था कि ये कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कैसा है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्यों करें, क्योंकि डबल बॉन्ड से जो एडेड है, sp3 कब जब सिंगल बॉन्ड से हो, और sp कब जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से एडेड हो, तो sp2 कब जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एडेड हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से एडेड हो, sp3। तो ये कहलाएगा आपके पास कौन सा, विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, और ये जब बेंजीन रिंग से कोई कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो इस कार्बन एटम को हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन एटम। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन एटम्स, और ये कहलाएगा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड्स। क्लियर, बेंजाइलिक हैलाइड्स क्यों कहलाएगा, क्योंकि हैलोजन एड हो गया, इस कार्बन एटम का नाम बेंजाइलिक कार्बन एटम। ठीक है, अब ये जो लास्ट है आपके पास, इसको हम बोलेंगे एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स, या इसको हम बोलते हैं हेलो अरीन्स। ठीक है, आप इसके जगह पर चेंज करिए, क्लोरीन करिए, तो आपको कहलाएगा बेंजाइल क्लोराइड। इस तरीके से बेंजाइल, ये एराइल हैलाइड्स, और ये कहलाएगा आपका कौन सा, हेलो अरीन्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, इंपॉर्टेंट नोट के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। बेसिकली सबसे पहले मैं बात करूंगा किस चीज पे, हैलो अल्केन्स। थैंक यू।